कहते हैं दो नाव की सवारी सबसे ज्यादा जोखिम भरी होती है और एक समय ऐसा आता है कि सवार दोनों में से किसी भी नाव पर सवार होने लायक नहीं रहता है। ये है चीन के चाणक्य। ये चीन के चाणक्य पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां इन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ से और उसके बाद मुलाकात की बाजवा से। लेकिन इन दोनों के बीच बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। जानेंगे क्या हो गया है और क्यों पाकिस्तान और चीन आयरन बिरादर एक दूसरे की तरफ आयरन की रड लेकर घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के साथ धोखा कर लिया है और भारत के माल पर कब्जा कर लिया है। भारत आगे क्या करेगा, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आधे गांव में दिवाली और आधे गांव में होली, क्या कहीं ऐसा होता है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई है और पाकिस्तान दो हिस्सों में खींचतानी का शिकार बन रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के सामने अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ चीन खड़ा है। शहबाज शरीफ सरकार जैसे ही आई है वैसे ही हमने कई परिवर्तन देखे पाकिस्तान के अंदर। जब तक इमरान खान सरकार थी तब तक यहाँ अमेरिका का एम्बेसडर यानी अमेरिका का राजदूत नियुक्त नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इमरान खान सरकार गई और शहबाज शरीफ की सरकार आई वैसे ही अमेरिका ने अपने राजदूत को नियुक्त कर दिया, जो पहला साइन था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बहुत कुछ सही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई प्रमुख लोगों के द्वारा ये संदेश भी आने लगे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका रिश्तों को अच्छा करना चाहता है। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान के बड़बोलेपन की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, लेकिन अब रिश्ते वापस से ठीक हो रहे हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होने का मतलब चीन बहुत अच्छे से समझता है। चीन बहुत अच्छे से समझता है कि अमेरिका अब पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल करेगा और इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल मिलने लगा, क्योंकि हाल ही में तालिबानियों के ऊपर एक हमला हुआ और वो हमला कथित तौर पर अमेरिकी ड्रोन के जरिए हुआ, जिसके लिए ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे ही ये खबरें चीन को मिलने लगी, चीन को ये समझ में आने लगा कि पाकिस्तान यहाँ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम चीन के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, हमें 2.3 बिलियन डॉलर का कर्जा दो, हमने कर्जा भी दे दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ IMF के सामने लोन के लिए बैठा है तो अमेरिका से कह रहा है कि आप हमें लोन दिलाने में मदद करो, यानी बदले में अमेरिका को भी कुछ वादा करके आया। चीन को जब ये समझ में आया कि पाकिस्तान यहाँ डबल गेम खेल रहा है, तब चीन ने बाजवा को बुलाकर शर्त रख दी कि पाकिस्तान के अंदर सेना को घुसाएगा, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चेक पोस्ट बनाएगा। बाजवा उस वक्त चीनी धरती पे था। बाजवा ने ये कहा, ठीक है, हम देश जाकर इस मुद्दे पर सोचेंगे, सोच समझ कर आपको इसका आंसर देंगे। बाजवा देश में आया और देश में कथित तौर पर शहबाज शरीफ की सरकार भड़क उठी कि नहीं, हम चीनी सेना को अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ एक कठपुतली सरकार है, ये लगभग सभी जानते हैं। असल तो बाजवा है, यानी कि बाजवा की मंशा नहीं है कि यहाँ चीनी सेना की एंट्री हो। अब इस बीच पहुँच चुका है चीन का चाणक्य कहे जाने वाला यांग जीची। इस्लामाबाद पहुँचने के बाद ये सीधे सीधे मिला शरीफ से और शरीफ से ये कहा कि हम चीनी सुरक्षा कंपनी को तैनात करना चाहते हैं, और इसके लिए बाजवा के ऊपर भी दबाव बनाया गया। इस वक्त जीची जिस मोड में है उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान को जबरदस्ती अपनी सेना घुसाने के लिए मना ही लेगा चीन, और इसके लिए पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि बाजवा और शरीफ दोनों ही हर हाल में ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास और भी कई तरह के संकट हैं। अभी हाल ही में चीन ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को बचाए रखेंगे, आर्थिक संकट में मदद करेंगे। जिसका सीधा मतलब ये है कि दरअसल चीन पाकिस्तान को ये लोभ दे रहा है कि अमेरिका तुम्हें आर्थिक रूप से कंगाल कर देगा, हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, इसलिए हमारी मानो। कुल मिलाकर ये कहें कि अब उपनिवेश बनाने की तैयारी में है चीन, और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है और हर हाल में उसे झुकना ही पड़ेगा। खैर, जहाँ एक तरफ इन दोनों की
मीटिंग में धमाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के माल को जब्त कर रखा है पाकिस्तान ने। बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा, ये बड़ी ही छिछोरी हरकत है। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के माल को जब्त कर लिया है बल्कि इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। दरअसल अक्सर देखा गया है, पाकिस्तान और भारत के बीच अगर कोई व्यापार होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान हमेशा से उठाने की कोशिश करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले दवाइयों का व्यापार। दवाइयों के व्यापार में भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा घपलेबाजी करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत से करोड़ों के मेडिसिन ले चुका है और उन मेडिसिन का पेमेंट नहीं कर रहा है। ये हाल ही में खबर आई थी। और इसके लिए पाकिस्तान कैसे करता है, जैसे ये छोटी बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत की कंपनी के साथ व्यापार करती हैं और उधार में मंगवा लेती हैं और फिर पेमेंट नहीं करती हैं। तो ये पाकिस्तान की आदत ही रही है, कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने किया है, इसे आप कहेंगे पूर्ण रूप से एक छिछोरापन। आपको याद होगा, एक समय भारत और पाकिस्तान के बीच चला था समझौता एक्सप्रेस। वैसे तो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55,000 करोड़ रुपए की खैरात दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के सिर पर तिरपाल उस समय आ गई, पर 75 साल हो गए पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। कभी चीन को गधे बेचकर आर्थिक साधन जुटाने की कोशिश करता है, तो कभी अपने ही देश में सब्जी फल आदि महंगे कर आम जनता का कचूमर निकाल रहा होता है। अब तो हद हो गई है। पाकिस्तान पिछले 3 सालों से भारत के रेल कोच का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल साल 2019 में समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था, जो काफी पहले हुआ था। दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि हम यहाँ से ट्रेन चलाएंगे और दोनों देशों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, पर 2019 में समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया। ये गाड़ी 7 अगस्त 2019 को अमृतसर के अटारी स्टेशन से रवाना हुई थी, लेकिन भारत द्वारा कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने इसे बंद कर दिया। पाकिस्तान के उस समय के रेल मंत्री शेख रसीद अहमद ने समझौता एक्सप्रेस का समझौता तोड़ डाला और इस सेवा को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया। दोनों देशों में व्यापार और राजनीतिक रिश्ते टूट गए। अब उस दिन जो पाकिस्तान पहुंची थी समझौता एक्सप्रेस की बोगियां, वो आज तक नहीं लौट पाई हैं। समझौता एक्सप्रेस की 11 बोगियों के साथ सामान से भरे मालगाड़ी के 10 डिब्बे भी पाकिस्तान स्थित वाघा स्टेशन पर खड़े करवा दिए गए थे। अब भारतीय रेल मंत्रालय ने 3 साल में 3 बार पाकिस्तान को याद दिलाया और कहा कि कोच को आप लौटाइए, पर सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान ने जवाब तो दिया नहीं, पर इन कोच का इस्तेमाल अपनी सवारियों को ढोने में कर रहा है। जनवरी 2020 में भी भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को ट्रेन के कोच लौटाने का खत लिखा था, पर गरीबी और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।